ये लेंथ थोड़ी बड़ी है तो कट कर। So bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that gun. Tripping off this blunt, so I might be blunt. If I do confront you, don't run. No, don't run from the black hole sign. I just picked a new bitch up in a Volvo boy truck. Say she never seen LA. I put her on a plane. She's so in love. चिल्ले को दे दिया है अभी घर पहुंच गए। अब रूम में जाते और आपसे वो बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे कि मैं मतलब अभी तक मैंने जितने भी कंटेंट बनाए और जितने मैंने अभी तक अगर आप गिनने जाओ तो अभी तक टोटल वीडियोस मेरे चैनल पे कुछ 64 है और ये वीडियो 65 हो जाएगी। मुझे मतलब वीडियो बनाने बहुत मज़ा आती है और मैं बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मतलब लोगों को देखता हूँ, सीखता हूँ और उन लोगों का कॉन्टेंट कंज्यूम करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हर बार हर वीडियो। 55 ब्लॉग्स है और बाकी सब दो या तीन शॉर्ट फिल्म्स हैं, बाकी सब सिनेमैटिक वीडियो जो मैं पहले अपलोड किया करता था। तो जब मैं अपनी पहली वीडियो जब मैं मतलब सिनेमैटिक वीडियोस जब मैं शूट करता था तो मुझे कुछ इतना आइडिया था नहीं कि वो कैसा बनाना है, क्या करना है। मैं बस शूट करता था, उसको एडिट करने की कोशिश करता था क्योंकि वो टाइम पे मुझे एडिट नहीं आती थी। और मतलब मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये होता है कि भाई तेरा खुद का स्टाइल कब बने। फिर मैंने वीडियो बनाते बनाते अब मुझे 2.5 साल हो चुका है और अभी भी मैं चल ही रहा हूँ, मतलब वीडियोस बना ही रहा हूँ बिना रुके। और जब वो सवाल मेरे दिमाग में आता है तो मैं हर वीडियो में अपना जवाब ढूंढता हूँ कि भाई इस वीडियो में शायद ये मेरा स्टाइल है बट ऐसा कभी नहीं होता। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इरफान जुनेजा को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं बहुत देखता हूँ उनका कॉन्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। जब मैं इन लोगों के कॉन्टेंट को देख रहा था तो मैं कंज्यूम कर रहा था, तो लोग जो कॉन्टेंट होता वो कंज्यूम करते करते मैंने सोचा कि भाई चलो इन लोगों के साथ ट्राई करते, मतलब समझ जाओ कॉपी करते, ठीक है। तो मैंने वही सोच के मैंने बोला चलो भाई ठीक है बनाते हैं। तो मैंने फिर इन लोग का देख देख के इन लोग की सिनेमेटोग्राफी देखा, इन लोग के एंगल्स देखा, लोग कैमरा कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, शॉर्ट्स कैसे लेते हैं, क्या सीन है, ये सब मैंने देखा इन लोगों को देख कर। मतलब सीख मैंने, मैं सीधी बात अभी आपको एकदम पॉइंट पे लेके आता हूँ बात, कि मैं इरफान जुनेजा को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं इरफान भाई को ही देखता हूँ। मैंने उनका कॉन्टेंट देखते देखते मैंने अब उनकी पर्सनैलिटी को भी कंज्यूम करना शुरू कर दी, जो मेरे लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी खुद की होती है, किसी दूसरे की पर्सनैलिटी आप खुद अपना नहीं सकते, क्योंकि सबका थिंकिंग लेवल अलग होता है, सबकी बोलने का स्टाइल अलग होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एकदम फेक बात है, मतलब आप जनाब ये सब मैं ऐसा बात मैं करता ही नहीं। मैं घर पे बात ऐसी करता हूँ क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही हो, मतलब ऐसे सब बात करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको अब ये बता दूं कि ये जो सीज़न है मेरा, मतलब ये जो मेरा ब्लॉग है ये इस सीज़न का आखिरी ब्लॉग है और इसके बाद अब डायरेक्ट सेकेंड सीज़न शुरू होगा। जो कब होगा वो मुझे नहीं पता, शायद मैं ब्रेक लूँ या अल्लाह जाने क्या होगा, पर जो भी होगा मैं कोशिश पूरी करूँगा कि एकदम मस्त हो। तो अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ बट नेक्स्ट वीडियो से, मतलब नेक्स्ट सीज़न और नेक्स्ट सीज़न की फर्स्ट वीडियो से मैं ऐसे बात बिल्कुल नहीं करूँगा। ये अब मुझे थोड़ी आदत हो गई है कि कैमरे के सामने आप जनाब से बात करना है, बट मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं जो हूँ असली में मैं वही बताने की कोशिश करूँ आप सबको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात आप सबको बताना ज़रूरी थी। तो
इसीलिए मुझे थोड़ा My love's like a black hole sun, so bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that blunt. Tripping off this blunt, so I might be blunt if I do confront you. Don't run. नहीं करो इरफान भाई से मुझे सिर्फ मिलना है. मुझे ना उनसे shout out किए ना उनसे मुझे बात मतलब मुझे सिर्फ उनसे मिलना है कि भाई एक सपना है इस बंदे से मुझे मिलना है because इस बंदे की वजह से मेरे vision clear हुए.